आगे जो भवन दिखाई दे रहा था उस तरफ वेंटिलेशन के लिए देखो, ब्लॉक कर रखा है उनको बाद में। दूर चलने के बाद यहाँ पर एक ये गोलाकार भवन दिखाई पड़ा है और इस उद्देश्य से ये बनाया गया है। देखते हैं, विवेक जी, अच्छा आप छत पर हैं, तो ये किस उद्देश्य के लिए है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्या है विवेक जी, क्या ये कुआं है? कुआं तो नहीं लग रहा है, गुप्त मार्ग का द्वार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश के लिए कुछ है और इसको बिल्कुल आट दिया गया है। जी तो जो भवन दिखाई दे रहा था वो किस तरफ है? शायद यही अंतिम भवन है, क्योंकि वो सामने प्राचीर दिखाई दे रही है किले की और इस तरफ घाटी आ गई है बीच में, दूसरी पहाड़ी के बीच में। तो एक बार अंत तक, अंतिम जो प्राचीर है वहाँ तक चलते हैं, फिर वापसी यहाँ से करते हैं। ये किसी अति प्राचीन भवन का अवशेष है ये, और यहाँ पर ये लोक जो अंदर ही टूट गया, फंसा हुआ है, टूटा हुआ है। और यहाँ पर देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो अंदर पत्थर लगे हुए हैं वो भी किसी अन्य प्राचीन इमारत के हैं। आप एक बार देखिए, हाँ वो देखिए मैंने, प्राचीन कुछ है ये नीचे ब्रश करता है, ये भी पत्थर यहाँ का, इस स्तंभ का के ऊपर का ये अवशेष है शायद। बिल्कुल, ये स्तंभ के ऊपर होता ना, हाँ स्लेब से नीचे वो पत्थर है। तो यहाँ पर घाटी है और अंतिम किले की प्राचीर सामने दिखाई दे रही है उधर, और इस तरफ भी है कुछ भवन। यहाँ पर मंदिर है एक, शायद हनुमान का एक मंदिर है प्राचीर के समीप, अंतिम भाग के प्राचीर का। देखिए इस तरफ भी एक द्वार है और मंदिर बनाया गया है, एक ठंडी अवस्था में सामने एक मंदिर है, इसकी छत शायद ढलाव की छत हो सकती है। नहीं, कड़ी वाली छत है यहाँ पर, और इन कड़ियों को देखिए, हजारों वर्ष ये इनको हो चुके हैं और उसके बाद भी काफी अच्छी अवस्था है। और यह देखिए इधर एक किले का द्वार है, और ये देखिए काफी पुराने समय में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मंदिर रहा होगा। तो एक बार आइए, इस तरह के ये सिंबल इस दुर्ग में अनेकों जगह देखने को मिलेंगे।
और यह देखिए कौन सी लिपि है, ये त्रिशूल है उल्टा, ये ऐसे कर मटके जैसा कुछ पता नहीं कुछ तो क्या है, और इधर देखिए ये यहाँ पर शायद त्रिशूल का सिंबल है, और ये शायद नगाड़ा होता है जो डंका, इतना विशाल, ये देखिए इसी से आप अंदाजा लगाइए, ये पत्थर अलग है और ये अलग है, और इस तरह भी इसी तरह का पत्थर है, ये बाद में पत्थर रखकर इसको थोड़ा सा संरचना को दोबारा बनाया गया, और ये देखिए सामने और उस तरह पीछे प्राचीर, इसका मतलब सेवा के फिर खाई वगैरह है, उधर देखते हैं किले में का जो द्वार है क्या है उसका नाम अगर हम कहते तो उस पर, यहाँ से थोड़ा चलते हैं यहाँ पर, ये द्वार कभी रहा होगा जो कि अभी बंद किया हुआ है और काफ़ी स्मेल आ रही है यहाँ से, और इस जो द्वार का नाम है वो है दिल्ली पोल, ये देखिए दिल्ली की दिशा में चलता हुआ, इसका अभिप्राय है दिल्ली की दिशा में खुलने वाला द्वार ये है जो कि बंद किया जा चुका है, आप देख सकते हैं चूल ऊपर दरवाजों के लिए और नीचे उनका बेस, ये देखिए और अंदर काफ़ी बैठ की स्मेल। तो ये था इस साइड का अंतिम द्वार, अंतिम भवन, अब यहाँ से वापस चलते हैं, हाँ ये देखिए ऊपर वो जो प्राचीर के वो बुर्ज हैं उनकी चौड़ाई 2 फुट है, तो इसकी कितनी होगी, ये लगभग 5 से 6 फुट अधिक है जी, 6 से मुझे 10 फुट मोटी दीवार लग रही है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ से, हमने किसी वो देखो नवीन जी भवन की ओर, नवीन जी वहाँ पे फोकस करो, उस पर जूम करो उसको, बिल्कुल ये देखिए केड़ियों में जो जिस पत्थर को लगाया गया है वो किसी भवन के अवशेष है, अब जब यह किला ही इस किले को लगभग 800 से 1000 वर्ष हो चुके हैं तो इसमें जो पत्थर अवशेष लगे हैं उस भवन को कितना समय हो चुक गया होगा, तो यह अपने आप में एक रहस्य है। वापिस चलते हैं यहाँ से, ये इधर प्राचीर, ये जो मंदिर है वो वहाँ पीछे से लेकर उधर से और यहाँ तक रहा होगा, और ये भी उस मंदिर का ही पिलर्स का बेस है, तो इसकी चौड़ाई भी काफ़ी रही होगी, उस तरफ देखिए किले की प्राचीर काफ़ी ऊंची है। तो अभी इस तरफ का जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा गंतव्य था वो यही था, यहाँ से वापसी करते हैं और जो पद्म ताल है तालाब उसके पास से अन्य स्थान पर जाते हैं, बहुत पुराने वैसे, बिल्कुल ऐसे अनेकों स्थान होते हैं, रिसर्च कहाँ होती है उसी समय तो होती नहीं थी, चलिए चलते।
उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ छत के।